देखिए, आरक्षण की आग में झुलस रहे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सैन्य बलों की तैनाती कर दी गई है। यहां छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों में कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। इतना ही नहीं, 15 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। आखिर पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आरक्षण के विरोध में भड़की हिंसा की आग में बांग्लादेश जल रहा है। शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए सड़क पर उतरे उपद्रवी सब कुछ जला देने को तैयार है। गाड़ियों में आग, जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, ये तीन तस्वीरें बांग्लादेश में हावी होती कट्टरपंथी ताकतों का सबूत है। ये तस्वीरें सबूत है कि कैसे देश विरोधी ताकतें मिलकर स्थिर सरकार को हिलाने का काम कर रही हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। हजारों की भीड़ सड़क पर उतरकर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के साथ हुई झड़प में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े हैं। अस्पतालों के बाहर ताले लगे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन आम लोगों से घरों में से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि बांग्लादेश की इस कोटा प्रणाली से सरकार के करीबियों को फायदा पहुंचाया जाता है। हालांकि बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते इस कोटा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, लेकिन फिर भी छात्रों का कहना है कि जब तक इस कोटा प्रणाली को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक विरोध जारी रखेंगे। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर भारत की भी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत के 15,000 नागरिक रहते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा असम के लोग शामिल हैं। बांग्लादेश में रहने वाले 245 भारतीय वापस आ गए हैं, इनमें 125 छात्र भी शामिल हैं। विदेश मंत्री अजय जयशंकर खुद पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं। वो मंत्रालय को निर्देश और पीएम को पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर पवित्र मार्गरेटा जी से मेरा बात हुआ है। बांग्लादेश में असम में मेडिकल कॉलेज में असम का कोई सारे लड़का लड़की बच्चा पढ़ते हैं, ये लोगों को निकाल के ले आने के लिए हम लोग भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया हूँ और भारत सरकार भी अपना काम कर रहा है, ऐसे मुझको पवित्र मार्गरेटा जी ने बताया। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपद्रवियों से निपटने के लिए सेना तैनात की गई है। बांग्लादेश में इंटरनेट बैन कर दिया गया है, सभी न्यूज चैनल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी ढाका में चप्पे चप्पे पर सेना तैनात की गई है, लेकिन सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों के पीछे किसी कट्टरपंथी ताकतों का हाथ तो नहीं है? क्या युवाओं को आगे करके कट्टरपंथी ताकतें देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं? क्या प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथी संगठन सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश के हालातों पर आपने रिपोर्ट देखी। बांग्लादेश में नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर भारत सीमा पर इमिग्रेशन चेक पोस्ट के पास भी प्रदर्शन हुआ और यहां पर भी देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये इमिग्रेशन पोस्ट है जहां पर भी प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए और हालात बेकाबू बांग्लादेश में हो रहे, क्योंकि कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग हो रही है। कहना यह है प्रदर्शनकारियों का कि कोटा प्रणाली के जरिए जो सरकार है वो अपनों को तवज्जो दे रही है और ऐसे में इसे खत्म किया जाए और जब तक खत्म नहीं किया जाता है प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां की सड़कों पर सैकड़ों लोग पैदल मार्च के लिए निकल पड़े हैं और इन सैकड़ों लोगों पर गोलीबारी भी की गई है। ये गोलीबारी आखिर क्यों की गई है, दिखाते हैं आपको इस एक मिनट की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सैकड़ों लोग सड़क पर निकल पड़े, पैदल मार्च किया
जो पाकिस्तानी में शांति को लेकर था। इस प्रदर्शन में हाथों में झंडा लेकर पाकिस्तान की आवाम सड़क पर निकली। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जहां इलाके में शांति की मांग हो रही थी। तभी कुछ लोग बंदूकधारी आए और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। जहां मार्च हो रहा था वहां भगदड़ मच गई और गोली लगने से जहां 3 की मौत हुई तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गोलीबारी किसने की। हमले के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग के बाद भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा है। प्रदर्शन कर रही आवाम ने कहा कि हमले के बाद भी हमारा मार्च जारी रहेगा और शांति के लिए हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, अपनी आवाज रुकने नहीं देंगे। और इसी बीच अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बताते हैं, जहां पर अब पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडोज को दी गई है। साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में भी एनएसजी ने पहुंचकर पूरी सुरक्षा का जायजा लिया। पूरी खबर इस एक मिनट की रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो ने संभाल ली है। एनएसजी कमांडो हनुमानगढ़ी पहुंची, जहां कमांडो ने आतंकी वारदात के दौरान की जाने वाली सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया। इस दौरान सुरक्षित पोजीशन में जाकर मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने का अभ्यास किया गया। अधिकारियों ने सावन मेले को देखते हुए संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया, जहां एनएसजी कमांडो की यूनिट तैनात रहेगी। बताया गया कि ये व्यवस्था सावन मेले तक के लिए की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनएसजी कमांडो की एक यूनिट ने राम जन्मभूमि परिसर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट समेत अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों की सुरक्षा का जायजा लिया। अयोध्या में आतंकी घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने एनएसजी को राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया था। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में तैनात होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे विपक्ष के नफरती दुकान की। देखिए यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी कावड़ रूट पर दुकान मालिकों को रेट लिस्ट के साथ अपना नाम भी लिखने का आदेश दे दिया गया है और इसी को लेकर उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है सुनवाद है। चूंकि कांवड़ यात्रा मार्ग पर आपने देखा होगा विगत वर्षों में भी और इस साल भी छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है, जैसे कल प्याज लहसुन को लेकर वाले खाने को परोसने को लेकर के विवाद हो गया था। तो इस तरह के ये विवाद तभी हो जाता है जब रेट लिस्ट नहीं लिखा रहता है। पता चला कि कोई सामान खरीदा किसी ने और उसका एग्जॉर्बिटेंट रेट पे पैसे मांग लिए गए, उसको लेकर विवाद हो जाता है। कई बार ये पता चला कि जो प्रोप्राइटर है वो किसी दूसरे धर्म का या कहीं से है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है जो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है। तो उस सबको देखते हुए एक वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी लोग जिनके नाम पे वो मिला है उनको